हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल यू ताइकोनिक। सो गाइस, फाइनली तुम्हारा भाई स्पेंडर प्लस BS6 लेकर आ गया है ब्लैक कलर में। काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था यार, मिल नहीं रही थी, जस्ट बिकॉज कहीं से परमिशन नहीं मिल रही थी और अभी हमारे पास यहाँ शोरूम में कहीं अवेलेबल थी नहीं। सो गाइस, फाइनली वीडियो में आप देख सकते हो, ये है आपकी हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 ऑल ब्लैक। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कंपनी ने बिल्कुल हटके कुछ इसका स्पेशल एडिशन निकाला है। जैसे कि हर बार हीरो करता है, कहीं ना कहीं स्पेशल एडिशन निकाल देता है, तो इसके अंदर भी आपको हीरो की तरफ से स्प्लेंडर सबसे ज़्यादा बिकती है, तो इन्होंने ऑल ब्लैक कलर इसका अवेलेबल मार्केट में करवा दिया है। फीचर्स आपको सबको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, कोई भी मेजर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता। जो चेंज देखने को मिलता आता है वो इसका कलर है। इसके कलर से ही आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और ये जो बाइक देखने को मिलती है आपको ये पूरी ऑल ब्लैक देखने को मिल जाती है। जैसे कि अब मैं वीडियो में पूरी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एज यू कैन सी बाइक दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। दूर से कोई बंदा देखेगा तो ये नोटिसेबल बिल्कुल होगी। साथ में बात को इसके फ्रंट से ही, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, ब्लैक ही इसके अंदर अलॉय का यूज़ किया गया है। साथ में फ्रंट में इसमें IBS की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो सब कुछ पहले भी आपको देखने को मिलती थी। BS6 इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ मैं बात करूँ हीरो की, यहाँ पे आप 3D लोगो नहीं देखने को मिलता है, ये चिट लगी हुई है। हीरो प्लस हीरो का लोगो देखने को आपको मिल जाता है। नीचे हम बात करें, यहाँ पे इसका पावर स्टार्ट का एक चिट लगी हुई है और यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्शन का लोगो लगा हुआ है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है बाइक, आप लोगों को सभी पता है। बट ये चीज़ यहाँ पे जब मैंने नोटिस किया तो ये आपको मैट ब्लैक देखने को मिलता है। ग्लोसी और जो मैट का कॉम्बिनेशन साथ में आपको देखने को मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कॉम्बो है। मैट और मैट ब्लैक और ग्लोसी ब्लैक का कॉम्बो जो होता है वो अच्छा लगता है। यहीं मैं इधर साइड की पैनल की बात करूँ, यहाँ पे स्पेंडर प्लस जो बैजिंग देखने को मिलती है I3S की चिट में देखने को मिलती है। जो स्पेंडर प्लस की बैजिंग आपको देखने को मिलती है वो मिलती है आपको 3D लोगो में। चाहो तो आप अपने टंकी पे भी 3D इसमें लोगो लगवा सकते हो। ये कंपनी ने बाइक निकाली इसलिए है बिकॉज इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करवाना भी पड़ सकता है। जैसे कि कंपनी आपको 3 कलर ऑफर करती है इसके साथ, शायद किसी ने वीडियो में आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, बट जब भी आप ये बाइक लेने शोरूम में जाएंगे तो आपको 3 कलर की स्कीम दी जाएगी। आप वहाँ पर उनसे पूछकर इस पर कोई सी भी स्कीम लगा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसमें आपका रेड कलर आता है, एक आता है सिल्वर कलर की चिट और एक अदर कलर आता है आपका पीरल ब्लू। ये 3 आपको कलर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कोई सा भी कलर की चिट अपनी टंकी पे और अपने साइड वाले जो कॉलम है इस पर लगवाना चाहो तो आप इस पर लगवा सकते हो बिल्कुल ईजिली, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस उसके लिए कंपनी चार्ज कर रही है आपसे अलग से 1500 रुपये का, जिसमें कि आप अपनी तरीके से ही इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। आप शोरूम में अधिक जानकारी के लिए आप शोरूम में पता कीजिए। ये शोरूम जो पड़ता है आपको अमन शोरूम देखने को मिल जाता है, 3rd पोस्ता खजूरी, जो भी भाई यहाँ पर रहते हैं वो आके जरूर एक बार विजिट करें शोरूम में और पता करें। वहीं मगर इसके स्विच क्वालिटी वगैरह की बात करें, सब कुछ आपको सेम देखने को मिल जाता है, मेजर चेंजेस कुछ भी देखने को नहीं मिलते। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं वो सब कुछ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ आपको स्टैंड कट का एक लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे इंडिकेटर लोगो देखने को मिल जाता है। प्लस इसकी स्विच की क्वालिटी भी बेस्ट है, इसमें कोई आपको मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बात करूँ उसके कलर स्ट्रक्चर की, जो कलर की पेंट की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। और सीट को सुनेंगे तो आप जैसी बात करते हैं वो तो हमेशा से स्प्लेंडर कम्फर्ट में रही है। बात करें इसके ऊपर से नीचे तक पूरी एक बार ओवरऑल लुक चेक करा देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा कैसी इसकी आपको लुक देखने को मिलती है। भाई मुझे तो एक नंबर बाइक लगी है। जो इसका और कलर आते हैं वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, बट ये जो ब्लैक कलर आया है बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप अपनी तरीके से मॉडिफाई करवा सकते हो, अपनी तरीके से कस्टमाइज़ करवा सकते हो और स्प्लेंडर तो इस चीज़ के लिए जानी जाती है, आप इसके अंदर कुछ भी मॉडिफाइड करवा सकते हो। बस इसका ये थोड़ा जो पीछे साइलेंसर का ये जो गोल सा लुक आता है ये मेरे को नहीं पसंद, ये जो पहले वाली आती थी उसमें ज़्यादा अच्छा लगता था। प्लस ये जो साइलेंसर की पत्ती है इन्होंने ये भी थोड़ी चेंज कर दी है, पहले वाली ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। बताइए आप मुझे कमेंट में कि आपको कैसी लगी है बाइक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। एक बार इंट्रो करवा लीजिए जिन्होंने ये बाइक ली है। हाँ तो अभी गाइस जैसे कि देख सकते हो आप पीछे में, हम यहाँ अमन के शोरूम पे खड़े हैं और ये हमारे अंकल जी हैं, इन्होंने ये हीरो स्प्लेंडर प्लस ली है जो अभी ब्लैक कलर आया बिल्कुल न्यू, इन्होंने ही ली है। सो अंकल जी आपको कितनी पड़ी ऑन रोड? ये हमको पड़ गई लगभग 70,000। तो ये जो कलर आया है ब्लैक कलर जो ग्लोसी है और मैट की इसमें फिनिशिंग दे रखी है, ये आपको 77,000 की, 77,000 की ऑन रोड देखने को मिल जाती है। किसी भी बाइक को लेनी हो तो एक बार यहाँ पर अमन शोरूम पर आकर विजिट कर ले, 3rd पुस्ते पे शोरूम पड़ता है। जिस किसी बाइक को इंक्वायरी हो कैसी भी आकर एक बार शोरूम में जांच कर ले। तो अंकल कैसी लगी आपको अभी तक देखने में? नहीं, बहुत बढ़िया। वैसे तो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ये लगभग 91 में पैदा हुई थी स्प्लेंडर प्लस। अच्छा, तो आप जब से यूज़ कर रहे हो तो आपने जब से यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए ही आपने लिए। मेरा पसंद ही यही है। अभी मैं 4 तारीख को भी एक गाड़ी इनसे ले गया था। अच्छा, ये दूसरे लड़के के लिए। तो देख सकते हो गाइस
अंकल ने मतलब 1991 से बता रहे हैं और इतने दिन से यूज़ कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू इन्होंने ये रखी, दोबारा एक और नए अवतार में ले ली BS6। अंकल जी पता है आपको ये? जी जी। सो गाइस मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ।